Hey guys, Kaurav Mehta back with another vlog. So in this vlog, for the first part, I'll tell you guys some adjustments that I've made in my training or nutrition, and जो भी मेरा cutting series जा रही है उसमें जो भी मैंने थोड़ी बहुत अभी adjustments की हैं उसके बारे में बात करूँगा. Then I'll show you guys one of my training जो मैं आज करूँगा जाके. I'll record the video and I'll do commentary on that. So मैंने क्या decide किया है कि because as मैं थोड़ा सा deep जा रहा हूँ अपने cut में, so kind of hunger के level थोड़े से increase हुए हैं, तो थोड़ी सी cravings increase हो रही हैं मेरी. You know, I need, sometimes I feel like कि मुझे और carbs चाहिए एक दिन में. So उसके कारण what I want to do is that I'm going to include refeed. So for start, I'll include one refeed day. So refeed day क्या होता है कि आप एक दिन around maintenance खाते हो और even a slightly higher than maintenance खाते हो. So उस maintenance की calories जो हैं आप बाकी के दिन में थोड़ी बहुत ले लोगे. Like अगर आप 6 दिन में, आपके 7 days a week में, so आप 6 days में से 100 calories ले लोगे and वो 600 calories आप जो आपका 7th day होगा उसमें add कर दोगे. So अगर आप 2100 calories ले रहे हो, so आप बाकी के 6 दिन 2000 calories लोगे. So जो 2000 calories होगी और जो 600 calories हमारे पास होंगी वो 2100 calories में add हो जाएंगी. So हम 7th day पे 2700 calories लेंगे. So हमारा overall calorie intake same होगा, पर हम एक दिन around maintenance खाएंगे. So इस refeed का main हम advantage क्या लेना चाहते हैं कि एक तो हमें साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा कि हम यार ज़्यादा खा रहे हैं. ओके, सो उस रीफीड में हम मोस्टली अपना जो हम फैट को थोड़ा सा लोअर भी कर देंगे. हम चाहेंगे कि एज मच कार्ब्स हम उस रीफीड में ले सकें ताकि हमारी जो कार्ब्स की क्रेविंग्स हैं, बिकॉज मोस्टली लोग कार्ब्स के लिए क्रेव करते हैं, वो फुलफिल हो जाएँ. एंड इसके और भी फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं कि लेप्टिन लेवल थोड़े बहुत रिस्टोर हो जाते हैं, बट वो इतना डिफरेंस नहीं पड़ता अनलेस आप कोई डाइट ब्रेक ले रहे हो जो लॉन्ग टर्म के लिए, अराउंड 1 week और 2 week और 3 week के लिए आप डाइट ब्रेक ले रहे हो. बट हाँ, साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत होता है. मे बी अगर आपके ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीटेड है वो प्रॉपरली रिफिल हो जाएंगे. बट अभी मैं काफ़ी कार्ब्स ले रहा हूँ एंड मैं इतना भी HIIT वर्क नहीं करता. यू नो, हम स्प्रिंटिंग मैराथन नहीं रन करते कि हमारे ग्लाइकोजन स्टोर इतने डिप्लीट होते होंगे. वो मेरे ख्याल में रिफिल हो जाएंगे, इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा. बट स्टिल मैन एक्स्ट्रा कार्ब्स डू हेल्प एंड मैं उस रिफिल डे को किसे अपने ट्रेनिंग डे पे इंक्लूड करूँगा. मे बी ऑन माय सेकंड लेग डे जब मैं स्क्वाट करता हूँ, हाई रेप स्क्वाट, तब मुझे मे बी वो एक्स्ट्रा कार्ब्स हेल्प करेंगी. एंड अगर बाकी कुछ एडवांटेज ज़्यादा ना भी मिलेगा, साइकोलॉजिकली मुझे ज़्यादा एडवांटेज ज़रूर मिलेगा. उस दिन मैं काफ़ी सारा फूड खा सकूँगा. एंड जब आप कम फूड खा रहे होते हो एंड आपको एक दिन मिलता है कि बहुत ज़्यादा फूड खाने में, वो आपकी अडहेरेंस को ज़रूर हेल्प करता है आपको ज़्यादा टाइम के लिए किसी डाइट को करने में, और अपने कटिंग जो भी आप कर रहे हो कटिंग को उसको लॉन्ग टर्म करने के लिए ज़रूर हेल्प करता है. सो गाइस, मैं 2100 कैलोरीज खा रहा था. सो मेरे पास दो ऑप्शंस थी, इधर मैं 100 कैलोरीज रिमूव करता एंड जैसे मैंने आपको बताया 7th डे में अराउंड 2700 कैलोरीज लेता, और सेकंड ऑप्शन थी कि मैं 100 कैलोरीज ज़्यादा बर्न करूँ एंड वो जो 100 कैलोरीज मैं हर दिन ज़्यादा बर्न करूँगा वो 100 कैलोरीज को मैं 6 डेज में उनका लेकर 7th डे में ऐड कर लूँ. सो मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ की. मैं अराउंड 10K स्टेप्स चल रहा था, 10,000 स्टेप्स रोज चल रहा था. सो मैंने अपने स्टेप्स इंक्रीज़ करके 10,000 से 12.5K कर दिए. फ्रॉम माय एक्सपीरियंस अराउंड 1,000 स्टेप्स आपकी 40 कैलोरीज बर्न करती हैं. सो अगर मैं 10K की बजाय 12.5K स्टेप्स चलूँगा, सो मेरी बॉडी 100 कैलोरीज मैं दिन में ज़्यादा बर्न कर रहा हूँ. ओके, मैं अपनी मेंटेनेंस को 100 कैलोरीज ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा हूँ. सो इट मीन्स मैं अपने डेफिसिट को 100 कैलोरीज ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा हूँ. सो इट मीन्स कि मैं वो 100 कैलोरीज जो मैं ज़्यादा बर्न करूँगा 6 डेज में से, उनको लेकर वो 7th डे में डाल दूँगा एंड मैं 7th डे पे अराउंड 2700 कैलोरीज लूँगा एंड बाकी के डेज पे मैं 2100 कैलोरीज लूँगा. सो गाइस, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. 2100 कैलोरीज, बाकी कैलोरीज में अभी मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया. मे बी इन फ्यूचर आई रिड्यूस सम कैलोरीज. अभी मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कोई रिड्यूस करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम डूइंग गुड विद फैट लॉस टिल नाउ. And I'll keep on tracking my data. Last 1 week का data proper नहीं था, for 1-2 weeks, and then we'll see whether we have to make some reductions in calories or not. But till now we are going to do that. 2100 calories, 6 days a week, 12.5K steps, 7 days a week,
and 2700 calories on one day of a week, so on the seventh day. And wo seventh day main try karunga ki around koi aisa din rakhu and usi din pe main stick karu aur wahi din main har bar liya karu. That's going to be probably second leg day. So yeah guys, that's what I wanted to tell you. And about hitting 12.5k steps, it's not easy mere khayal mein agar aap usko plan nahi kar rahe ho. So maine pichle ek week mein un steps ko plan kiya hai and main unko easily hit kar pa raha hu. Unse pehle main 10k steps hit karna bhi mere liye thoda bahut difficult tha, because you know agar aap कि कोई भी चीज़ की प्लानिंग नहीं है, तो मैं बहुत कई बार 4000 स्टेप्स मिस कर जाता था. सो उनको मैं कैलरीज रिड्यूस कर आई मीन अगर मैं 4000 स्टेप्स मिस करता था डे के लिए, मैं 160 कैलरीज कम लेता था एंड स्टफ लाइक दैट. बट इन द लास्ट वन वीक मैंने क्या किया है कि मैं अराउंड मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि मैं इतना इतना चलूँगा, यू नो, इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉकिंग 12.5k स्टेप्स. अगर मेरी अनकॉन्शियस एक्टिविटी अराउंड 3000 या 4000, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग रिमेनिंग 8500 स्टेप्स एट अ सिंगल टाइम, सो मैं क्या करता हूँ कि लाइक सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा. सो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मैं पॉडकास्ट को सुनता हूँ अराउंड 20-30 मिनट्स के लिए एंड बाद में मैं आ जाता हूँ. वो मेरा अराउंड 3000 स्टेप्स हो जाते हैं. देन मैं जिम जाता हूँ एंड जिम से वापस आता हूँ चल के, वो मेरे अराउंड 4000 स्टेप्स हो जाते हैं. 7000 लिए एंड जिम में मैं अराउंड 3000 स्टेप्स चलता हूँ. अराउंड 120 कैलोरीज मशीन शो करती है. सो अराउंड 3000 स्टेप्स वो मैं चल लेता हूँ. 10000 हो गए. देन मैं रात को एक बार मार्केट में जाता हूँ एंड एक राउंड लगाता हूँ, अराउंड 2000 स्टेप्स हो जाते हैं. ऐसे मैं अराउंड 12.5k स्टेप्स इजीली हिट कर लेता हूँ डेली. That's it guys. I hope कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा. I'll meet you guys with my training footage. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, oh, no.